सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ओके पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके घर में भी एलपीजी कनेक्शन है तो गवर्नमेंट द्वारा एक नया सर्टिफिकेट इशू करवाया जा रहा है, जिस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन आसानी से बनवा सकते हैं और आसानी से जो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। अभी इस सर्टिफिकेट को कैसे इशू करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इस सर्टिफिकेट के क्या बेनिफिट्स होंगे, सब कुछ मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके दिखाऊंगा। आपको भी जो है उन स्टेप्स को फॉलो करना है और आप भी जो है आसानी से अपना जो है एलपीजी गैस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हम आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, चलते अपनी वीडियो की तरफ। अब दोस्तों, सबसे पहले स्टेप आपको करना होगा, आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको जो है myLPG.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको आ जाना है। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपके सामने पूरा इस प्रकार का जो है एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जब आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे जो तीन सिलेंडर दिखाए जा रहे हैं, तीन अलग अलग कंपनियों के यहाँ पे आपको सिलेंडर दिखाए जा रहे होंगे। एक इंडियन कंपनी का दिखाया जा रहा है, एक एचपी कंपनी का दिखाया जा रहा है और एक जो है भारत गैस दिखाई जा रही है। तो जैसे कि हमारे पास एचपी का गैस है तो हम जो है एचपी के उसमें चूज कर लेंगे, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे हम एचपी का सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने इस टाइप का जो है एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको दोस्तों करना क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई जा रहा है, पार्टिसिपेट इन द फाइट अगेंस्ट कॉर्पोरेशन टेक ऑनलाइन इंटीग्रेट पज। तो आपको जो है इस पर जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दोस्तों आपके सामने जो है सेंट्रल बिजनेस कमीशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑफिशियल पेज आपके सामने खुल चुका है, इंटीग्रेटेड प्लेज यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, अब आपको जो है यहाँ पे से चूज करना होगा, आप एज अ सिटीजन एक अपने लिए चूज करें, एक सिंगल पर्सन हो के, या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से आप इसको चूज करें। तो अगर आप सिंगल पर्सन है तो एज अ सिटीजन आप चूज यहाँ पे कर लीजिएगा। अब जैसे आप इसको चूज करेंगे दोस्तों, आपके सामने जो है एक यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक प्लेज इन 3 इजी स्टेप्स यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये 3 स्टेप आपके सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जो है अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होंगी। तो आपको यहाँ पे अपने जो है नाम का टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे श्री होता है, श्रीमती, कुमारी, डॉक्टर, मास्टर, मिसेज, सो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आप अपना जो है चूज कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम श्री चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको जो पूरे नाम है आपको उसे यहाँ पे एंटर कर लेना है। जो आप यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे वही आपका जो है सर्टिफिकेट में अपेयर होगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको जो है अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल चुनिए, और अदर है तो अदर चुन लीजिए। फिर मेल यहाँ पे चूज कर लिया है। आपको अपना जो है एक आईडी प्रूफ यहाँ पे देना होगा। तो अपना आईडी प्रूफ में से आप जो है कुछ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड चूज कर सकते हैं, पासपोर्ट चूज कर सकते हैं, वोटर आईडी चूज कर सकते हैं या फिर अदर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड चूज कर लेते हैं। अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जो है आपको फिर अपने एड्रेस का पिन कोड डालना है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आपको पिन कोड डाल देना है। फिर आपको सिलेक्ट करनी है अपनी स्टेट, जहाँ भी आप रहते हैं अपनी आपको स्टेट यहाँ पे चूज कर लेनी है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको जो है अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देनी होगी। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा गया, तो आपका अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको एक बटन दिखाया जा रहा है, भाषा का चयन के लिए आगे बढ़े, आपको जो है इस पर जाके क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, क्लिक करते ही आपके सामने एक इस टाइप का जो है पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जाकर आपको क्लिक करना है और अपनी जो प्रेफरेंस लैंग्वेज है उसको चूज कर लेना होगा, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, नेपाली हो गया, और बहुत सी लैंग्वेज आपको दिखाई जाएंगी। आपको जो है अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, प्रेफर करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी चूज कर लिया है। अब यहाँ पे जाकर आपको एक आपको रीड प्लेज का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इस पे जाकर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने जो है प्लेज यहाँ पे लिखी आ रही होगी। अब आपको जो है क्या करना है, इसको प्लेज को एक बार ढंग से पढ़ लेना है, डिटेल बाय डिटेल आपको ये सब चीजों को पढ़ लेनी है, इनके जो पॉइंट्स आपको बता रखे हैं। इसको पढ़ते ही दोस्तों आपको सब चीजों को मालूम हो जाएगा, यह सर्टिफिकेट आपको क्यों इशू करवाया जा रहा है, इसके क्या जो है आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या जो है लाभ है इस सर्टिफिकेट के, सभी ये चीज पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों आपको नीचे एक बटन दिखाया जा रहा है आई प्लेज का, तो आपको यहाँ पर जाकर क्लिक कर देना है, यानी कि मैंने प्रतिज्ञा ली, इस पे जाकर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस खुला आ जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे बताया गया है वेयर डिड यू नो अबाउट दिस पैकेटिक प्लेज, आपको ये प्लेज का कहाँ से पता लगा। तो आपको जाकर सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है सोशल मीडिया से, क्योंकि आपको इसके बारे में जो है सोशल मीडिया से पता लगा है। सोशल मीडिया का आपको एक छोटा सा सर्कल दिखाया जा रहा है, इस पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। अब सबमिट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, आपको सबमिट के ऑप्शन पे आपको जाकर क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, प्लीज एंटर ओटीपी। अब आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा दोस्तों, उस ओटीपी को आपको जो है नीचे यहाँ पे फिल कर देना होगा। उस ओटीपी को फिल करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो आपको जो है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। बाई चांस अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता तो आपको रीसेंट ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, रीसेंट पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोबारा आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, फिर ओटीपी को फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं आपके सामने जो है एक सर्टिफिकेट यहाँ पे आ चुका है, आपका नाम यहाँ पे फिल हुआ आ चुका है।
तो अब दोस्तों आप इस सर्टिफिकेट वीडियो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है डाउनलोड पेज का, इसमें जाकर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पे दिखा चुका है, 70वें विजेता का लोगो आपको यहाँ पे दिखा चुका है, सर्टिफिकेट नंबर प्लस बार कोड आपको यहाँ पे दिखा चुका है। तो इस प्रकार से जो है सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।